वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। ग्वालियर की आखिरी महारानी और बीजेपी की दिग्गज नेता राजमाता विजया राजे सिंधिया की शादी ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव से हुई थी, लेकिन इससे पहले पिता ने उनके लिए कई जगह रिश्ते देखे थे। एक बार तो वो विजया राजे को दिखाने के लिए अपने दोस्त के यहाँ ले गए थे। विजया राजे ने इसका जिक्र अपनी आत्मकथा द लास्ट महारानी ऑफ ग्वालियर एंड ऑटोबायोग्राफी में किया है। हालांकि उनकी यहां शादी नहीं हो पाई क्योंकि लड़के की प्रेमिका की गुजारिश पर राजमाता ने झूठ बोला था। अपनी आत्मकथा में राजमाता विजया राजे ने लिखा है कि मेरे पिता बिना किसी देरी मेरी शादी कराना चाहते थे। इसी क्रम में वो मुझे 120 मील दूर बांदा ले गए थे। यहाँ हमारी मुलाकात एक धनी जमींदार और अथाह संपत्ति के मालिक से हुई थी। उनका नाम चौधरी केसिंग था और वो मेरे पिता के दोस्त थे। पिता ने मुझसे कहा कि उन्होंने सभी बातें कर ली हैं और मुझे सिंह के बेटे से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे में बस हम दोनों की रजामंदी ही बची थी, बाकी सब कुछ पूरा हो चुका था। इसके बाद विजया राजे सिंधिया के परिवार ने कुछ समय तक बांदा में ही रुकने का निर्णय लिया। दरअसल वो पड़ोसियों से दूल्हे की जानकारी लेना चाहते थे। एक शाम पड़ोस में रहने वाली लड़की विजया राजे के पास आई। वो उनसे अकेले में बात करना चाहती थी और कई बार उसे दूल्हे के घर में देखा गया था। विजया राजे ने उस दिन को याद करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है कि लड़की मुझसे शादी के बारे में जानकारी लेना चाहती थी और पूछा कि क्या मैं चौधरी के बेटे से शादी करने वाली हूँ। विजया राजे ने इसके जवाब में कहा था कि अगर मेरे माता पिता इस शादी के लिए तैयार हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनते ही वो लड़की बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया और मुझे एहसास हो गया कि वो लड़की उस लड़के से बेतहाशा मोहब्बत करती है। मैं उन दोनों के प्रेम में नहीं फंसना चाहती थी। उस घटना के बारे में राजमाता विजया राजे ने अपनी आत्मकथा में आगे लिखा है कि एक या दो दिन बाद मुझसे मेरे फैसले के बारे में पूछा गया, तो मैंने जानबूझकर ऐसा दिखाया कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। कुछ समय बाद उस लड़की से चौधरी के लड़के ने शादी कर ली। ये बात और है कि वो शादी कामयाब नहीं हो पाई और दोनों बहुत जल्दी अलग हो गए। इस फैसले ने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया और मुझे आगे पढ़ाई करने का भी एक उद्देश्य मिल गया। सिंधिया परिवार की इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।